हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव। राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली अभी जो चल रहा है HTML का जो क्लासेस चल रहा है, उसमें से आज जो हम सब देखने वाले हैं वो है स्टाइल्स। स्टाइल हम सब HTML में जो भी वर्क करते हैं उसमें भी इनलाइन स्टाइल हम सब देकर यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करना हो, यदि आपको कलर चेंज करना हो, हेडर का कलर चेंज करना हो, यदि आप टेबल का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, मतलब ऐसा कुछ भी करना हो, यदि एक सेक्शन आप डिव ले रहे हो तो उसका पूरे का आपको वो बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो इस टाइप से यदि जरूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट से भी करें, इनलाइन स्टाइल शीट भी स्टाइल जो है देकर वो कर सकते हैं। एक्चुअली हम सब बाद में जो CSS देखने वाले हैं, CSS का अलग ही पूरा क्लासेज होगा जिसमें सब कुछ एक एक प्रॉपर्टी उसमें देखेंगे, लेकिन जो HTML का जो है बेसिक जो है हम सब स्टाइल डालना है, इनलाइन स्टाइल डालते हैं तो, और उसको कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट में हैं उनको बहुत ज़्यादा जो HTML और CSS के बारे में उतना पता नहीं होता है, तो इसलिए उनको बेसिक जानना जरूरी चाहिए। और जो भी डिजाइनर हैं उनको तो बेसिक से एडवांस सब आना चाहिए, लेकिन जो डेवलपर हैं मेनली उनको भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जो ये आज हम देखने वाले हैं जो है स्टाइल शीट कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। एक्चुअली इसके पहले जो था, मैंने बहुत सारा जो HTML का जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड डिजाइन आप उतना में कर सकते हो, HTML पेजेज बना सकते हो, इतना हम सब ने अभी तक देख चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब स्टाइल शीट कैसे होता है वो हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और वो देखते हैं कि हम सब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे करते हैं और हर एक टैग में लगाकर कैसे देखेंगे। स्टाइल शीट को देखने के लिए जो है स्टाइल हम सब HTML में कैसे यूज करते हैं जो है नोटपैड पे आ जाना है। नोटपैड पे सबसे पहला काम जो करना है ये हम सब नोटपैड, यदि हम नोटपैड पे लिखते हैं तो सबसे पहला काम डिफाइन करते हैं डॉक टाइप HTML। उसके बाद डॉक टाइप HTML जो है कौन सा HTML का वर्जन है वो दिखाता है। उसके बाद है HTML टैग दे देंगे जो नेस्टेड होता है, क्लोज भी करना है। उसके बाद जो है हेड टैग है, हेड टैग भी नेस्टेड होता है, ये भी क्लोज करना है। ओपन होने के बाद उसके बाद बॉडी टैग आता है, बॉडी को भी क्लोज कर देना है। यहाँ पे फिर हेड टैग में टाइटल रहता है जो, इसके बाद जो हम स्टाइल शीट भी जो इंटरनल लिखते हैं वो भी इसके अंदर भी डाल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का फाइल लिखते हैं, उसके बाद हेड टैग के अंदर मेटा टाइप जो भी रहता है वो डालते हैं। तो आज हम सब स्टाइल शीट देखने वाले हैं, स्टाइल का स्टाइल हम इनलाइन कैसे यूज करते हैं तो ये हम सब देखेंगे। HTYLE स्टाइल पेज, अब यहाँ पे ये टाइटल जो होता है आपको ये टाइटल जो सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ पे सिंपली स्टाइल पेज करके। ये जो होता है आपको कौन सा, यदि गूगल पे कुछ भी सर्च करवाना है तो ये टाइटल से ही मेनली अपना ट्रैक करता है गूगल। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पेज में जो भी रहता है, मतलब जहाँ पे भी आप HTML पेजेज क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो काम होता है जो स्टाइल शीट है वो बाद में भी देखेंगे, हम सब CSS करेंगे उसमें भी बहुत डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी जो है इनलाइन हम सब कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वो देखना रहता है इसमें। तो एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर डिव भी नेस्टेड होता है जो कि हम डिव को क्लोज भी करना पड़ता है। अब इसके पिछले जो डिव के बारे में नहीं पता है तो इसके पिछले में मैंने बताया है डिव और आईडी क्या होता है, तो आप वो ये जो है देख सकते हो डिव और स्पैन क्या होता है। तो डिव मेनली एक कंटेंट एरिया होता है जहां पे आप कंटेंट लिख सकते हो। यहाँ पे जो है हम सब सिंपली एक पैराग्राफ लेते हैं, हेड लेते हैं H1, हेडिंग बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए सिंपली बना लेते हैं और H1 इसको स्टार्ट और क्लोज है। उसके बाद जो है पैराग्राफ को भी स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद कुछ भी डाल देते हैं, हेडिंग डिफाइन पैराग्राफ डिफाइन, इस तरीके से हम सब यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको इधर जो है आपका दो हेडिंग और ये दिख जाएगा। अभी हमको क्या करना है, बॉडी टैग में अभी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ था लेकिन बॉडी में हमको बैकग्राउंड डालना है। तो ये जो स्टाइल हम सब इसमें लिखते हैं सिंपली HTYLE, इसके पहले मैं बताया था लेकिन इसमें जो है डिटेल्स में हम देख लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर डालना है, तो BAC बैकग्राउंड कलर,
ये सब जो प्रॉपर्टी होता है सीएसएस का होता है, जहां से कि मुझे क्या डालना है, ब्लैक ब्लू। अब ब्लू यहां पे लिखेंगे तो बैकग्राउंड अपना ब्लू हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये कलर जो है ब्लू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, यहां पे ग्रे कर सकते हैं, ग्रे हो गया, आप ग्रे कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, अभी जो है इसके बाद जो है हम सब दूसरा जो देखते हैं H1 का प्रॉपर्टी देखते हैं। H1 का प्रॉपर्टी हम सब क्या डाल सकते हैं, H1 का स्टाइल कलर, कलर में हो जाएगा जो भी हम सबको डालना है ब्लू। आप देखो ये जो कलर है ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हो। इसका भी बैकग्राउंड यदि हम मुझे चेंज करना है स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, तो इस तरीके से आप इसे चेंज करके देख सकते हो। ये सब चीज है, टेक्स्ट कलर जो है उसके बाद इसमें बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हो। यहां से आप बैकग्राउंड इसे कॉपी करके यहां पे भी अलग बैकग्राउंड डालना है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा। और इसके बाद जो है इसको जो बैकग्राउंड है हम सब ग्रीन, ये ग्रीन कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका देखो ये इनलाइन ग्रीन लग गया। ग्रीन के अंदर कलर यदि इसको हम व्हाइट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप यहां पे चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जब भी यहां पे ध्यान देना चाहिए कि कलर ग्रीन डालने के बाद आपको सेमी कोलन डालना ही पड़ेगा, नहीं तो जब सिंगल रहेगा तो इतना जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस में रखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो जो भी है सेमी कोलन डालकर। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ भी नहीं है, अब इसका हमको फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो सिंपली फॉन्ट फैमिली एरियल। आप देखो यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया है। यदि हम यहाँ पे कुछ और डालते हैं वर्धना, अब दूसरा में हम सब देखते हैं फॉन्ट फैमिली को दूसरा चेंज करके फॉन्ट फैमिली। यहां पे हम सब वर्धना डालते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो भी क्या हुआ, अभी जो है फॉन्ट आप देखो कि ऐसा कटा कसा आ रहा है, लेकिन अब जब वर्धना डालने के बाद जो है थोड़ा सा चेंज होगा। यह देखो थोड़ा चेंज हुआ। तो इस तरीके से आप फॉन्ट फैमिली भी ये कर सकते हो, इसका साइज भी कर सकते हो। जो यहाँ पे हम सिंपली इसका साइज जो है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू हम यदि 68 पिक्सल कर देते हैं तो आपका ये फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है। आपका ये पैराग्राफ जो हेडिंग से ज्यादा ये साइज हो गया। तो इस तरीके से हम सब इसका साइज भी चेंज करके देख सकते हैं। इसका कलर व्हाइट, इस तरीके से आप इसका फॉन्ट चेंज करके देख सकते हो। ऊपर हेडिंग का भी कर सकते हो, इसको आपको जितना भी फॉन्ट रखना है उस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हो इनलाइन स्टाइल डालकर। फॉन्ट साइज जो है आप इसमें भी डाल सकते हो, परसेंटेज में भी डाल सकते हो। परसेंटेज में भी अभी देना है 100 100%, तो 100% 100% में भी डाल सकते हो। और यहाँ का परसेंटेज पिक्सेल और पीटी ये सब चीज़ बाद में हम सब देखेंगे जितना भी फॉर्मेट है, लेकिन अभी जो है फिलहाल बेसिक है। तो बेसिक आप इस टाइप से करके आप यूज कर सकते हो परसेंटेज में भी। और जब इसके बाद जो है अभी जो है इसको यदि हम 100 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है इस वजह से। अब जो है हम तो सब टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब इसका जो है नेक्स्ट और नीचे ले लेते हैं। अब इसका हम एक और चीज करके देखते हैं, यहां पे टेक्स्ट एल लाइन सेंटर। ये सिर्फ बेसिक है जिसमें कि आप HTML में कैसे यूज कर सकते हो वो सिर्फ देखना है। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, फिर
यदि लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट भी कर सकते हो। तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा है जो सब हम सब स्टाइल जो जब CSS देखेंगे तो करेंगे। अभी फिर बेसिक है, इसको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट हो जाएगा, इसको राइट करना है तो फिर राइट में इसको कर सकते हैं। जो भी है इनलाइन ही हम सब जो लिखना है जो भी करना है यहाँ पे, यदि हम इनलाइन स्टाइल लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप राइट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रॉपर्टी है, फॉन्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन, इस टाइप से आप यूज करके देख सकते हो। जो इनलाइन स्टाइल में लिए इतना बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कि आगे देखने वाले हैं। तो ये बेसिक है जो कि आप इसे यूज करके आप जो HTML में कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर चेंज, फॉन्ट चेंज, जो भी चेंज करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सब ने देखा कि स्टाइल शीट को इनलाइन हम HTML में कैसे यूज करते हैं, कैसे जो चेंज करते हैं इसका जो प्रॉपर्टी वगैरह है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे तब पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। और इससे कुछ भी आपको UX डिजाइनिंग में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप डाल सकते हो। और इसका आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे भी जवाब देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड को लाइक भी शेयर करो और लाइक भी कर दो। और यदि आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे ही ऐसे ऐसे ही अपना इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और जाते जाते जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो इस टाइप का बनाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप इजी तरीके से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।